वैशाली हाजीपुर, आज दिनांक 22/7/18 को आम जन पार्टी सेक्युलर की बैठक मरई चौक स्थित विजय क्लासेज में की गई। इस सभा की अध्यक्षता राजीव चौधरी के द्वारा की गई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दामोदर प्रसाद सिंह, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विद्याभूषण जी, वैशाली जिला अध्यक्ष शिवनाथ सिंह, जिला महासचिव शशिकांत झा, संरक्षक उपेंद्र प्रसाद सिंह, सात संघ के नेता बलराम कुमार, विजय कुमार, सोनू कुमार, नवीन कुमार, अमित कुमार, रवि कुमार, प्रशांत कुमार सिंह, बिट्टू कुमार की मौजूदगी में देखी गई। मौजूद सभी नेतागण अपनी बात रखे, जिसमें मुख्य बातें इंटर की रजिस्ट्रेशन पर की गई और साथ में एक बार रजिस्ट्रेशन करने पर 3 साल के टाइम में बदले सरकार से 4 साल का समय की मांग की गई। बैठक में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दामोदर प्रसाद सिंह, जिला अध्यक्ष शिवनाथ सिंह एवं जिला महासचिव शशिकांत झा ने शिक्षा के गिरते स्तर पर बिहार सरकार का और केंद्र सरकार भाजपा पर जमकर निशाना साधा और शिक्षा के गिरते स्तर का कारण सरकार को बताए। और पार्टी के लोगों ने कहा कि स्कूल में जब तक मध्याह्न भोजन चलेगा तब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर सकती। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार गरीबों को शिक्षा देना है कहती है तो मध्याह्न भोजन बंद करें। संवाददाता रजेश झा, आलोक युद्ध एजेडा से क्राइम टी न्यूज, जिला वैशाली। आम जन पार्टी सर्कुलर राष्ट्रीय काफी पीछे में नजर आ रहे हैं और वह यह दर्शाना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं कि आखिर बच्चों के भविष्य को अंधेरे में डालने वाला कौन है, बच्चों का अभिभावक, बच्चा खुद या बिहार सरकार, भारत सरकार कौन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम लोग जब पढ़ते थे उस समय कहाँ मध्याह्न भोजन था, उस समय कौन बच्चों को पैसा देता था, हम लोग पैसा देकर भविष्य समय परीक्षा होती थी, उस समय पूछा जाता था साल में 2 बार, आज परीक्षा को खत्म कर दिया चला जा रहा है, इतना नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि शिक्षा हमारे नजदीक से खत्म हो गया। हमारे बच्चे अब लगता है कि जब तक में सुधार नहीं होगा, बच्चों में सुधार नहीं होगा, इसलिए बच्चों को ज्ञान देने के लिए जब तक शिक्षक नहीं मिलेंगे, कंपटीशन होता था उस समय में, आज जो है पारामिलिट्री बना दिया, कोई शिक्षक बना दिया, आज वो शिक्षक शिक्षा दे रहा है, हमारे पास नहीं है कि हम उसको ज्ञान दे सकें। कर रहे हैं जैसे थोड़ा हम शिक्षा स्तर पर बात करेंगे, शिक्षा स्तर जो गिर रहा गिरता हुआ शिक्षा स्तर पर आप क्या बोलेंगे? जिस वैशाली बिहार में शिक्षा की व्यवस्था के बराबर आउटी क्वेश्चन पूछा, जिससे बच्चे को दिक्कत हो गई, तकलीफ हो गई, बच्चे बने हमारे 40 नंबर मार्क्स मिलते हैं, इसमें तो बिहार बोर्ड का पूरा मार्च से 18 के बच्चे को तकलीफ होती है, 3 साल की जगह पर 4 आप 3 साल तक बेटर है कि आपके लिए भी बेटर है, आप कंपार्टमेंट एग्जाम लेते तो ठीक है, 2 साल तक ठीक है, 4 साल आपको पूरा पिता का बिहार से गिरते शिक्षा स्तर का दोषी कौन, विद्यार्थी, विद्यार्थी के अभिभावक या बिहार सरकार? बिहार सरकार और अभिभावक। जी आप सुन रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दामोदर प्रसाद सिंह बताए कि बिहार से गिरते शिक्षा स्तर का मुख्य दोषी विद्यार्थी के अभिभावक
और बिहार सरकार। आगे फिर उनसे बात करते हैं कि सरकार कोई और क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बोलेंगे देखते हैं। शिक्षकों का वेतन बहुत बढ़ा है लेकिन उनका कर्म जो है वो बढ़ रहा है। शिक्षकों का बड़ा कर्तव्य है कि खुद स्टडी करें, वो पाठ्य